गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा 17 डे है और आज हम अगले 5 वर्ड्स देखेंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे और उन वर्ड्स को यूज करेंगे, ठीक है, उसको लर्न करेंगे और यूज करेंगे उसको। नेक्स्ट 5 वर्ड्स आज हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है क्योस। क्योस मतलब अव्यवस्था, अफरा तफरी मचना, स्टेट ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, सब कंफ्यूजन हो जाना। ग्रेट डिसऑर्डर मतलब सब उलट पलट हो जाना, अव्यवस्था फैल जाना। मान लो कोई लाइन है, लाइन टूट जाए तो पूरा क्या हो गया, क्योस हो गया। रनवे बस हॉर्स कॉज क्योस ऑन द स्ट्रीट, सड़क पर घोड़े के आने से या बस के आने से, एक दौड़ती बस के आने से या घोड़े के आने से क्या हो, क्योस फैल गया, एकदम से घोड़ा आ गया। मान लो है ना, गली में एकदम से घोड़ा आ गया तो क्या हुआ, क्योस फैल गया। नेक्स्ट वर्ड इज आउटरेज। आउटरेज मीनिंग गुस्सा, किसी के प्रति गुस्सा होना। समथिंग दैट इज वेरी बैड और रॉन्ग एंड दैट कॉजेज यू टू फील ग्रेट एंगर, कुछ भी ऐसी चीज हो जाए जिससे गुस्सा आ जाए, है ना। तो इसका सेंटेंस देखते हैं, देयर इज वाइड स्प्रेड पब्लिक आउटरेज ओवर द करप्शन, देश में जो करप्शन बढ़ रहा है उससे बहुत ही आउटरेज है, मीन्स गुस्सा है, ठीक है। मान लो पॉलिटिशियन है, नेता लोग कोई घोटाला करते हैं तो क्या होता है, लोगों में गुस्सा आता है, या कोई नौकरी वाला है वो भ्रष्टाचार करता है, कहीं पैसे मांगता है, तो उससे क्या होता है, लोगों में गुस्सा बढ़ गया है, उसे बोलते हैं आउटरेज। देयर इज वाइड स्प्रेड पब्लिक आउटरेज ओवर द करप्शन। नेक्स्ट वर्ड इज जेस्चर। जेस्चर होता है हाव भाव, एक्सप्रेशन, मोशन ऑफ हैंड्स और बॉडी टू एम्फसाइज और हेल्प टू एक्सप्रेस, अपनी बॉडीज को या अपने हाथों से कुछ भी दिखाना, एक्सप्रेस करना, ठीक है। हाव भाव से किसी चीज को समझाना, अपनी बॉडी से अपने हाथों से किसी को समझाना। सेंटेंस है द विजिटर मेड अ जेस्चर विद हर हैंड, जो मेहमान आए मिलने के लिए उन्होंने अपने हाथ हिला के और हाथ से अपना इशारा किया, हाथ के जेस्चर से समझाया। मान लो आप कहीं पर किसी को लेने जाते हो, विजिटर को लेने, मेहमान को लेने, तो दूर से देखा तो दूर से उसने अपना हाथ हिला के आपको दिखाया, मतलब जेस्चर किया उसने अपना, ठीक है। जेस्चर मीन्स अपने हाथ से या बॉडी से किसी चीज को समझाना, एक्सप्रेस करना अपने आप को, ठीक है। जो लोग बोल नहीं पाते या सुन नहीं पाते वो अपने जेस्चर से समझाते हैं। नेक्स्ट है यूनिनेमसली। यूनिनेमसली मीन्स सबकी सहमति से, हैविंग द एग्रीमेंट एंड कंसेंट ऑफ ऑल, सबकी सहमति होना, यूनेनेमसली, ठीक है, यूनेनेमसली। ही वाज यूनेनेमसली इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, वो सबकी सहमति से उनको प्रेसिडेंट चुन लिया गया, ठीक है, यूनेनेमसली सबकी सहमति से, हैविंग द एग्रीमेंट एंड कंसेंट ऑफ ऑल। नेक्स्ट वर्ड इज आउटकम। आउटकम मीन्स रिजल्ट, ठीक है, किसी चीज का परिणाम आना, रिजल्ट आना। द एक्सीडेंट वाज द इनएविटेबल आउटकम ऑफ केयरलेसनेस, एक्सीडेंट जो हुआ वो लापरवाही का नतीजा था, लापरवाही का आउटकम था, ठीक है, आउटकम मीन्स रिजल्ट आना। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ लाइक इट, और उसको लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए सबके साथ में, ताकि सबको मेरी वीडियो टाइम पर मिल जाए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।